जय जिनेन्द्र, मैं हूं तपेश जैन। हम लोग यहां पर उल्लास 2023 राज्य अधिवेशन अवार्ड सेरेमनी है भारतीय चयन संगठन BGS का। पंकज चोपड़ा जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसके साथ में मनोज लोकर जी का कार्यकाल प्रारंभ होगा। आप सब जानते हैं कि BGS जो है भारतीय जैन संगठना जैन की ही नहीं सभी जैन वर्गों की है, साथ में इसके जन सेवा का काम करती है, तो बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं ये अग्रसेन कॉलेज के साथ में ये खचाखच भरा हुआ है। आज नए पदाधिकारियों का सम्मेलन है, उसके सॉल्यूशन के रूप में उसको सक्षमीकरण करते हुए जहां जहां डिजास्टर आता है वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में कोई भी संगठन सबसे पहले आता है तो वो आता है भारतीय जैन संगठन। लातूर हो, अंडमान हो या कोई भी विपदा देश में आई हो, सबसे पहले कोई भी अगर कोई गैर सरकारी संगठन आके खड़ा हुआ है वह है भारतीय जैन संगठन। IIM रायपुर ने एक रिसर्च किया था और उस रिसर्च में उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन सबसे आगे हैं वह एक रिसर्च का विषय उन्होंने लिया था 2016 में। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि वो जो 10 संस्थाएं निकाले थे उसमें से एकमात्र गैर सरकारी संस्था थी वो थी भारतीय जैन संगठन, आपकी अपनी भारतीय। एक न्यूज आप लोगों ने पढ़ी होगी कोरोना वेव के समय, कोरोना वेव 2 जब चल रहा था देश में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी। जब कहीं पर भी ऑक्सीजन के कोई भी इक्विपमेंट नहीं मिल रहे थे तब हर समाचार पत्र ने, हर न्यूज चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था कि जैन समाज ने 12,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया। वह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब देश में कहीं उपलब्ध नहीं थे अगर लिया तब सिंगापुर से मात्र 3 दिन में 12,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को चार्टर प्लेन से लेके भारत में आना और अगले 4 दिन में आप जैसे कार्यकर्ताओं के कारण देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम आप सभी ने मिलकर भारतीय जैन संगठन के माध्यम से किया है और यह समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। बीड डिस्ट्रिक्ट में 2013 में अकाल आया, तब आदरणीय शांतिलाल जी मूथा ने वहां पर रहकर 1 महीने बीड डिस्ट्रिक्ट में रहकर उस चीज को समझा कि अकाल क्यों आया और एक सिस्टम बनाया और आज उसी का परिणाम है। 2016 में सबसे पहले बुल्ढाणा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को, एक डिस्ट्रिक्ट को, जो अभी संजय भैया बोल रहे थे कि 10 करोड़ क्यूबिक लीटर एक डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर हुआ था 26 करोड़ क्यूबिक लीटर। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म भारतीय जैन संगठन जहां पे पूरी पार्टी के लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग एक मंच पर आकर उस प्रोग्राम को सराहा था और 137 JCB के साथ में मात्र 2 महीने में बुल्ढाणा डिस्ट्रिक्ट को अकाल मुक्त किया था। आप लोगों को याद होगा 2015 की बातें, मराठवाड़ा में किसानों की आत्महत्या और 2016 में भारतीय जैन संगठना को बुल्ढाणा डिस्ट्रिक्ट को गोद में लेने के बाद में आप अभी तक के कोई ऐसी न्यूज नहीं पढ़े होंगे। ये होता है पावर अगर कि एक संगठन किसी भी एक जिले को या एक कार्य को अपने हाथ में लेता है। मुझे बहुत गर्व है कि नीति आयोग ने बुल्ढाणा डिस्ट्रिक्ट को देखते हुए 2018 में 4 डिस्ट्रिक्ट, 2 स्टेट के 4 डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 2 डिस्ट्रिक्ट को एज अ पायलट प्रोजेक्ट भारतीय जैन संगठनों को दिया। कोरोना आने के बावजूद हमने उस डिस्ट्रिक्ट को, चारों डिस्ट्रिक्ट को पानी युक्त किया, पानीदार बनाया और आज यादगीर को बेस्ट पानी का डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा मिल रहा है और यह करने वाला आपका अपना भारतीय जैन संगठन। इससे भी बड़ा गौरव का समय आया 2022 में जब नीति आयोग ने इस बिना कभी ऐतिहासिक अंकल पूरे 75 वर्षों में, आजाद भारत के 75 वर्षों में कभी भी
नीति आयोग ने किसी भी गैर सरकारी या सामाजिक संस्था के साथ में कोई भी एमओयू हस्ताक्षर नहीं किया था। 2022 में पहली बार भारतीय जैन संगठन के साथ में, एक सामाजिक संगठन के साथ में, नीति आयोग ने एमओयू किया 100 डिस्ट्रिक्ट को पानी युक्त बनाने के लिए। और आज नीति आयोग का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो है भारतीय जैन संगठन। मुझे खुशी है इस बात की कि हम जो 0.4% है, हम जो अकाल के कारण दूसरे प्रदेशों से जाके भारत के कोने कोने में गए हैं, वो एक लीडर के रूप में उभर रहे हैं, ऐसा समाज लीडर के रूप में उभर रहा है जो देश को अकाल मुक्त, और जो हम सोचते हैं या हम सुनते हैं कि 2030 में अगर कहीं पानी के ऊपर हम वर्क नहीं किए तो सूखा पड़ेगा, पानी नहीं रहेगा, और अगला विश्व युद्ध अगर कहीं होगा, तीसरा विश्व युद्ध, तो पानी के कारण होगा। अगर कहीं उस काम को करने का बीड़ा उठाया है तो जैन समाज ने उठाया है, जो 0.4% है, जो अकाल के कारण दूसरी जगह से, राजस्थान से जहां से भैया आए, वहां से हम दूर दूर तक के जाके देश के कोने कोने तक पहुंचे हैं। और ऐसा समाज जो अकाल के कारण विस्थापित हुआ है, अपनी अलग पहचान बनाई है वहां जाकर, और वैसा समाज लीडर के रूप में पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ाने में, भारत को अगला विश्व विजेता बनाने में काम कर रहा है। यह गौरव पूरे समाज का गौरव है। भारतीय जैन संगठन में मेरे को ध्यान है, अभय विरोधिया जी की एक बात, भारतीय जैन संगठन, यह वर्ड जो है भारतीय, आपको अपने देशभक्ति की बात याद दिलाती है। जैन एक ट्रस्ट लेवल बढ़ाने की बात करती है, और संगठन आप जैसे सैकड़ों हाथ, हम जैसे सैकड़ों हाथ का बात करती है, तो भारतीय जैन संगठन ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। और यही काम जहां पर भारतीय और संगठन के साथ में जैन वर्ड यूज होता है, वहां पर पूरा जैन समाज इकट्ठा होकर काम करता है। छत्तीसगढ़ में 15 डिस्ट्रिक्ट को हमने लिया। आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि अगर कहीं पानी नहीं है, एक दिन के लिए भी अगर कहीं आपको पानी नहीं मिलता तो हमारी क्या स्थिति होती है? कुछ सोसाइटी में, कुछ जगह पर एक घंटे के लिए पानी अगर कहीं चले जाता है तो लोग हल्ला करना शुरू करते हैं। और ऐसी स्थिति 2030 में आने वाली है, और हमारे छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में आने वाली है, और इसमें हमने बीड़ा उठाया है आप सबके सहयोग से। 15 डिस्ट्रिक्ट को वाटर सफिशियंट डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे अगले 3 साल में।